वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अभी शाम का 5 बजता है और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोगों को आवाज़ से मेरी लग रही होगी ना, मेरी आवाज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार हो गया है और गला भी बहुत ज़्यादा बैठ गया था। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है। लास्ट वीडियो जब मैंने अपनी मम्मी का बनाया ना, तब उसका मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। और ये देखिए दवाई भी मैंने अभी खाया है और अभी चाय भी मैंने पिया। कहाँ गया कब चाय भी मैंने पिया कि थोड़ा सा रिलैक्स मिले। और पता है क्या, अभी मैं ठंडा में ना स्वेटर भी नहीं पहनती थी, मतलब उतना ठंड नहीं लगती थी। बट अभी क्या हो रहा है ना कि जल्दी बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ा दिया है, इसलिए आज मैं स्वेटर वगैरह सब पहन रही हूँ। और गला है ना बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए राइज आप लोग स्वेटर वेटर पहन के रहना, ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और अभी जल्दी से तो और ज़्यादा ठंड बढ़ चुका है। अभी मतलब सडनली इतना ठंड बढ़ा दिया है ना कि मतलब तबीयत ख़राब हो जाएगा। बाबू का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, फिलहाल अभी ठीक है। और अभी दीदी लोग भी आने वाली है। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि दीदी बुआ के घर गई है, तो अभी आएंगी थोड़ा देर में। तो बुआ के घर जहानाबाद गई थी, तो अभी थोड़ा देर में आएंगी। तो मैं आप लोगों को बोल सकते साइड कैमरे में लेके आऊँ लोगों को, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि मैं जबरदस्ती से किसी को नहीं बोल सकती ना। और आज मेरा मन किया कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। एक और बात गाइस, कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ना कि आप लोग व्यूज़ नहीं देते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे को वीडियो ही बनाने का मन नहीं करता। तो आप लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए मेरे को ना आप लोगों से जो चीज़ बोलना मैं आप लोगों को बोलती हूँ। और जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, मैं उन लोगों पर तो ध्यान भी नहीं देती हूँ, क्योंकि नेगेटिव कमेंट तब आते हैं ना जब वो इंसान मतलब आप ना आगे बढ़ रहे हो। तो आई थिंक कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, अपने नेगेटिव आई थिंक कि मैं आगे बढ़ रही थी, नेगेटिव कमेंट आ रहा है। कमेंट आ रहा है कि आप एक काम करो, ऐसा करो कि वीडियो ही बनाना छोड़ दो। तो गाइस मेरा ये शौक है, मेरा ये हॉबीज़ है कि मतलब ये मेरा मन है कि मैं वीडियो बनाऊँ चाहे नहीं बनाऊँ। मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। उस पर मतलब किसी ना किसी मतलब वो जो कमेंट आया उसको बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया उसके खिलाफ कि इग्नोर करो, आप जाने दो, ऐसे ऐसे कमेंट आते रहते। बट वो जो कमेंट है कि आप एक काम करो, व्यूज़ तो आते नहीं हैं और वीडियो बनाना छोड़ दो, तो व्यूज़ नहीं आएंगे तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे। तो यानी कि आप अगर पढ़ाई स्कूल में जाते हो और आपको पढ़ाई नहीं आता तो पढ़ाई करना छोड़ दो, तो नहीं ना। तो लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरी वीडियो को पसंद नहीं करते, तो आप लोग इग्नोर मारो। आप लोग कमेंट भी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की एक कमेंट से मैं बहुत ही ज़्यादा आगे नहीं बढ़ जाऊँगी ना बहुत ही ज़्यादा पीछे चली जाऊँगी। मेरा जो काम है मैं अपना काम करते रहूँगी। तो बस मुझे मतलब उस पर बहुत सारा कमेंट का ना आंसर रिप्लाई आ रहा था, कोई कोई रिप्लाई उससे दे रहा था। तो मैं सोची चलो मैं ऐसे व्लॉग बना ही रही हूँ, तो जो मैं डायरेक्ट मैं उसको आंसर दे दूँ कि तुम जो कमेंट की हो कि वीडियो बनाना ही छोड़ दो, तो मैंने उसे बोला है और मैं वीडियो बनाना छोड़ूंगी नहीं। वीडियो बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। बच्चा ये बोलता है मुझे पढ़ाई नहीं करनी है और मेरे अच्छे नंबर आते ही नहीं है तो पढ़ाई करना छोड़ देता है क्या? नहीं ना। तो अगर आप लोग आपको मेरी वीडियो देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है तो मत देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वैसे भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं, मैं सबको इग्नोर करती जाती हूँ, मैं किसी को आंसर नहीं देती हूँ, बहुत सारे आते हैं। तो अगर आपके वीडियो में नेगेटिव कमेंट आए तो आप ये सोचो कि आप आगे बढ़ रहे हो। मैं यही सोच के वीडियो बनाती हूँ कि मैं आगे आई थिंक मैं बढ़ रही हूँ, इसी कारण नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। तो बस दैट्स इट। और फिलहाल मैं कुछ करने वाली नहीं, फिलहाल मैं अभी जाऊंगी तबीयत तो थोड़ा ज़्यादा ख़राब है गाइस, गला बहुत ही ज़्यादा दर्द रहा है। सडनली तबीयत मेरा ख़राब हो गया, उस दिन मैं ठीक थी और अचानक मेरी तबीयत ठीक थी। और बाबू ए फ्यू मोमेंट्स लेटर
सो गाइज, ये देखिए, ये मेरी दीदी लोग आ चुकी हैं, और जब मैं आप लोग से बातें की ना तो उसी टाइम आ गई थी, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया. और अभी थोड़ी देर हो चुका है तो मैं सोची चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. और ये इनसे मिलिए, नहीं सबसे पहले इनसे मिलिए, मेरी फर्स्ट दीदी हैं. और ये मेरी मंजली दीदी है, थर्ड दीदी भी हैं बट वो आई नहीं है. और ये रही माही, जिनका कल मैंने वीडियो बनाया है. और वो रहा मेरा बच्चा जिसका थोड़ा तबीयत ख़राब है, वो अपना दवाई के साथ खेल रही है. और ये देखिए दीदी लोग आई हैं, दो दिन के बाद आई हुई है यहाँ पे. सो गाइस, पहली बार आई है, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना. वाह, हमको बहुत अच्छा लगा. एंड आप लोगों को पता है, पहली बार मेरे चैनल पे मेरे ससुराल के लोग आए गाइस, तो आप लोग ये वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलना, स्किप तो बिल्कुल भी ना करना. और दीदी इतना मैं प्यार से बोली तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर से ज़रूर. और माही, हेलो हेलो माही है ये गाइस, जिनका मैंने कल वीडियो बनाया था, अगेन मैं आप लोगों को बता दूं. एंड ये देखिए, सो अभी कितना टाइम हो रहा है माही? तो ये देखिए गाइस, रात का 7:03 यानी कि 7:03 हो रहा है. और वो रही मेरे बाबू. तो दीदी दिखाइए सूट आप, वो पता है. ये देखिए गाइस, मैंने दीदी को सूट दिया बट उनको इतना पसंद नहीं आ रहा, आप लोग बताना कमेंट में कैसा लग रहा है उनको. ये अच्छा कलर के वजह से पसंद नहीं आ रहा. अच्छा, कलर थोड़ा लाइट है इसलिए उनको थोड़ा सा डीप कलर पसंद आता है. बट अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा. बट ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है, आप लोग बताना ये सूट. तो पता है पूरा ये 2 साल के बाद आई है ना दीदी, कोरोना 3 साल के बाद आई है, मतलब कोरोना से पहले. बाप रे, 3 साल, यानी कि देखो गाइस कोरोना क्या क्या करवा देता है. कोरोना अगर नहीं रहता तो बीच में आ जाती, और 3 साल के बाद आई है ये दीदी. तो बीच में आई भी थी बट मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था उस टाइम. और ये देखिए, सो अभी दीदी जा रही है मछली बनाने. क्या बना रही जा रही है दीदी? और पता है आप लोगों को, मेरे घर आई हुई है बट हम नहीं बना के खिलाने वाले. आज दीदी मछली बना के खिलाने वाली है, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी. और मछली फ्राई कर चुकी है, बस उसका ग्रेवी बनाना है. सो चलिए मैं इन लोगों को, दो सुपुत्र जी को दिखा दूंगी क्या क्या कर रहे हैं. ये देखिए, ये हैप्पी को देखिए गाइस, ये हैप्पी को देखिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत शर्माते हैं. एंड वो देखिए, वो मेरी मंजली दी के बेटे हैं और ये मेरी बड़ी दी के बेटे हैं. ये देखिए क्या कर रहे हैं, पता है बहुत ज्यादा शर्माते हैं, बोल रहे थे कि मैं मामी में कैमरे में नहीं आऊंगा. हैप्पी, और पता है मैं सारा वीडियो वॉच करते हैं और लाइक भी करते हैं, बट ये आ नहीं रहे हैं. हैप्पी हैप्पी, ऐसे करिएगा सब उल्टा फुल्टा. हैप्पी हैप्पी हैप्पी. सो कोई बात नहीं गाइस, पता है इनको जब पता नहीं चलेगा ना तब मैं इनको दिखाऊंगी. इनके सामने से मैं ले रही हूँ ना, इसी का ये नहीं देख रहे हैं. सो गाइस, जा रहे किचन में काम करने के लिए. और आप लोगों को मैंने जैसे बोला था कि मैं आप लोगों को सबसे मिलवा दूंगी, सबसे मैंने मिलवा दिया. और ये देखिए मेरा गला इतना ज़्यादा दर्द दे रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ना स्टॉल को लगाया हुआ है. तो जा रही हूँ मैं किचन में काम करने. और ये देखिए, ये सारे लोग हंस रहे, पता नहीं क्यों गाइस, मुझे पता नहीं है. एंड चलिए मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर में और जाती हूँ किचन में. एंड आज मैं कुछ अजीब लग रही हूँ ना, आज मैं कुछ रोगी टाइप का लग रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे को ना आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सॉरी, माइंड मत कीजिए, मतलब इग्नोर कीजिएगा. तो चलिए मैं आप लोग से मिलती हूँ. ये देखिए फ्रेंड, यहाँ क्या हो रहा है. मामी यहाँ और मौसी यहाँ खाना बना रही है. तो पहले मौसी की बात करते हैं. यहाँ मसाला फ्राई हो रहा है और ये देखिए कितनी छोटी छोटी मछली है. तो मामी आप क्या कर रहे हैं? हे भगवान, आप आज ब्लॉग बना रही है. तो गाइस, आज मेरा जो ब्लॉग है वो माई बना रही है. तो मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ, सब्जी के बोले भुजिया काट रही हूँ. एंड ये देखिए गाइस, और जो मेरी दीदी है वो मछली बना रही है, क्योंकि कोई कोई मछली नहीं भी खाता है, कोई कोई खाता भी है, इसलिए जो बना रही है वही नहीं खाती है. तो बस यहाँ पे मछली फ्राई हो रहा है, मछली फ्राई हो चुका है, मसाला फ्राई हो रहा है गाइस. तो ये देखिए मसाला फ्राई हो रहा है. तो ये देखिए गाइस, दीदी बना रही है, आप बोलिए अभी आई हुई है और हमको बना के खिलाना चाहिए और दीदी बना के खिला रही है. ये देखिए सॉरी, यहाँ बाबू को खिला रहा है. सो चलिए गाइस, मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल. और सब लोग खाना खा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा मैं भी थक चुकी हूँ. और पता है क्या, मतलब फीवर मेरा मतलब जो कम था ना वो भी और थोड़ा ज़्यादा हो गया है. मतलब अंदर से जो होता है ना गर्म गर्म, वैसा लग रहा है. सो इसी कारण मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ. बस एक छोटा सा ब्लॉग था मेरा, मेरे को आप लोगों से अपने फैमिली को मिलाना था इसलिए. और
आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना गाइस। और पहली बार मेरे फैमिली लोग, मेरे ससुराल के फैमिली लोग मेरे ब्लॉग में आए, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि वो लोग आएंगे इसलिए। सो चलिए गाइस, मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दे गाइस। सो चलो, आई होप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में मेरा मतलब जो तबीयत है ना वो ठीक हो जाए, मतलब कम हो जाए, क्योंकि अभी सच में बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा है इसलिए। सो चलो गाइस, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।